हेलो दोस्तों, मैं नरकुमार कुमार और आप देख रहे हैं यूनिक एजुकेशन चैनल। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हाउ टू लर्न सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कैसे आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, ये वीडियो आपके लिए इस वीडियो से लेकर तभी आपको ये जानकारी मिल पाएगी। चलिए शुरू करते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे लोगों का मन प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। आजकल यही चाहता है कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना बेटर रहेगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सी क्या है? सी लैंग्वेज क्या है? सी एक जनरल पर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे डेनिस रिची ने डेवलप किया था 1972 में। सी जिस पहला स्टेप है अंडरस्टैंड द बेसिक। जब भी आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो फंडामेंटल ऑफ द सी प्रोग्रामिंग पहले सीखें, उसके फंडामेंटल पहले सीखें। इससे क्या होगा, उसमें वेरिएबल्स, लूप्स, फॉर लूप, टू व्हाइल, फंक्शन, एरे इत्यादि ये आपको सीखने होंगे, तभी आप एक उसमें बेसिक स्ट्रक्चर सीख पाएंगे, तभी आप उसमें बदल तभी आप कोड कर पाएंगे। और नेक्स्ट स्टेप है इंस्टॉल ए सी कंपाइलर। अब मान लो आपने एक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली, लेकिन आपने एक कंपाइलर अपने मशीन में, जैसे मान लो जो आपका कंप्यूटर है उसमें आपने कंपाइलर इंस्टॉल नहीं करा, तो आपकी प्रोग्रामिंग है वो आप उसमें रन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको पहले एक कंपाइलर इंस्टॉल करना होगा, जिसे बोलते हैं GCC। GCC एक ये कंपाइलर है सी का, जिससे आप कोड को रन करा सकते हैं अपनी मशीन में। जैसे दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो है, एक माइक्रोसॉफ्ट का एक विजुअल स्टूडियो सॉफ्टवेयर है जिसमें आप कोड कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज को उसमें रन करा सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। नेक्स्ट है प्रैक्टिस। जैसे अब आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली, तो आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। छोटे छोटे आप जैसे प्रोग्राम बनाएंगे और अपनी जो मशीन में उससे रन कराएंगे, आप देखेंगे और आपकी जो प्रैक्टिस करने की स्पीड बढ़ेगी, पता पड़ता जाएगा। आप जो टैक्स लिखेंगे आपको माइंड रीडिंग बढ़ती जाएगी। फोकस ऑन राइटिंग क्लीन रीडेबल कोड, और आप जो फोकस के साथ और रीडेबल कोड लिखेंगे और आप इजी टू अंडरस्टैंड डीबग, आप आसानी से समझ पाएंगे उसमें बाकी जो कमियां होंगी और उसे आसानी से हैंडल कर पाएंगे, तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है। नेक्स्ट है ज्वाइनिंग कम्युनिटी। अब आपने प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, अब अच्छी खासी आपकी प्रोग्रेस हो गई, तो आप क्या करें, एक कम्युनिटी में ज्वाइन होंगे। कम्युनिटी ज्वाइन होने से क्या होगा, आपने जितनी प्रैक्टिस करी है आप उसमें जाकर प्रोग्रामिंग करेंगे, अपने क्वेश्चन आंसर भेजेंगे कोड करके, तो उसमें जो भी उधर से नेक्स्ट जिसमें मेंबर्स हैं जितने भी, वो उधर से कोड लिखेंगे, तो उसमें क्या होगा, आप उनके दूसरे को लोगों का एक्सपीरियंस मिलेगा और आपको खुद तो एक्सपीरियंस मिलता है और दूसरे के लोगों को कोड करके आसानी से आप अपनी एक्सपीरियंस को बढ़ाते जाएंगे कोडिंग जर्नी में। नेक्स्ट है रीड कोड। जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग सीखे, तो आपको रीडिंग अदर पीपल कोड दूसरे लोगों से सीखते रहना है, जैसे लर्निंग लेती रहनी है। इससे क्या होगा, आपकी कोडिंग जर्नी है बहुत ही एक्सपीरियंस होती रहेगी, एक्सपीरियंस करते जाएंगे कोडिंग जर्नी को। और क्या प्रोजेक्ट, जो भी आप प्रोजेक्ट बनाएं उसे अपने गिटहब पे अपलोड करें, अगर आपको कोई गिटहब पे अकाउंट नहीं तो आप क्रिएट कर लें। गिटहब पे सिंपल सा अकाउंट वहाँ पर बनता है, तो उस पर प्रोजेक्ट छोटे छोटे प्रोजेक्ट अपलोड करते जाएंगे, उससे भी आपका जो एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट है बिल्ड प्रोजेक्ट। बिल्डिंग प्रोजेक्ट इज एन एक्सेलेंट वे टू अप्लाई, यू हैव लर्न्ड एंड गेन एक्सपीरियंस। जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आपका, और वैसे ही आप एक सिंपल प्रोजेक्ट बनाते जाएगी। सिंपल प्रोजेक्ट बना पा रहे हैं तो फिर आप एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनाएंगे, जैसे कि मूव टू मोर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। इससे क्या होगा, छोटे से प्रोजेक्ट से बड़े प्रोजेक्ट में शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे जैसे बड़े प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे, जैसे पहले आप जैसे कि आप आईडी लेते हैं, कैलकुलेटर बनाया, फिर आप अपने टेक्स्ट एडिटर बनाया, फिर एक गेम बनाया, गेम से फिर एक बड़े प्रोजेक्ट बनाइए, जैसे कि
जैसे कि मान लो कंपनी में एक सॉफ्टवेयर काम करता है, जैसे डेटा पैसे को मैनेज करने का, ट्रांसफर करने का, उसी तरह का सब सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। और नेक्स्ट कीप लर्निंग, हम इसे सीखते रहिए और आपकी प्रोग्रामिंग और भी स्किल्स होते जाएंगे।